सबसे पहले तो बाल बांध लो अपने भैया, किचन में काम कर रहे हो और बाल खोल के तमीज नहीं है। सबसे पहले बनाना स्मूदी बनाने के लिए जो मैं बनाती हूँ, मुझे चाहिए बनाना। मैं डालूंगी बस इतने नूडल्स, थोड़े और डाल देती हूँ, ऐसे नहीं होगा मेरा पेट ऐसे ऐसे करके मुझे खरोच रहा है कि कुछ दे, मुझे नहीं पता कुछ दे। मैं अकेले नहीं रहती हूँ, मेरा पति लेकिन घर पे नहीं है। बैलेंस बहुत जरूरी है, ये मैंने रियलाइज किया है। मैं बैलेंस कैसे करती हूँ, वाह। सो हेलो एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वॉट आई ईट इन अ डे। दूसरी चीज़ आज हम ये डिस्कस करेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि यार कैसे जो अपना खाना है ना उसको धीरे धीरे करके बेटर बना सकते हैं। तो मैंने किस तरीके से अपनी डाइट जो है वो एक बैलेंस टाइप की डाइट बना ली है, जिसमें मैं बाहर का भी खा लेती हूँ, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, बट स्टिल मैं अच्छा खाना भी खा रही हूँ मेरे हिसाब से। तो आज हम वो सारी बातें करेंगे और देखेंगे कि वॉट आई ईट इन अ डे। टाइम अभी 9:05 हो रहे हैं। नॉर्मली मैं इस टाइम पे नाश्ता नहीं करती हूँ, 10:30-11 तक करती हूँ, बट आज मुझे बहुत भूख लगी है क्योंकि मैंने कल रात को डिनर नहीं खाया था और मेरा पेट ऐसे ऐसे करके मुझे खरोच रहा है कि कुछ दे, मुझे नहीं पता कुछ दे। आई होप मेरी वीडियो क्लियर हो, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है और आज ही होना था उसने। सबसे पहले तो बाल बांध लो अपने भैया, किचन में काम कर रहे हो और बाल खोल के तमीज नहीं है, यही सिखाया तुम्हें। सबसे पहले बनाना स्मूदी बनाने के लिए जो मैं बनाती हूँ, मुझे चाहिए बनाना। छोटा सा हम लेंगे मिक्सर ग्राइंडर, उसमें सबसे पहले डालूंगी मैं 3 केले, छोटे छोटे वाले इलायची बनाना। 3 केले डालने के बाद अब हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पीनट बटर, 1 चम्मच जैगरी पाउडर। तो वैसे भी मीठा होता ही है, बट अगर थोड़ा ज्यादा मीठा चाहिए आपको तो बस 1 चम्मच जैगरी पाउडर। वो चीज इसको चॉकलेट बनाएगी, वो चॉकलेट है हमारे पास, चॉकलेट पाउडर। अगर आपको ककाओ पाउडर मिले तो बेस्ट है, वो प्योर होता है, अनरिफाइंड होता है। मुझे अभी इस बार नहीं मिला तो मैं कोकोआ पाउडर यूज कर रही हूँ। इसमें आप 1 चम्मच ये जो ककाओ पाउडर है ये डाल सकते हो, ये भी ऑप्शनल है। आलमंड मिल्क, बादाम का दूध, अगर आपके पास नहीं है ना, तो मैं जब नहीं था ना तो मैं पानी डालती थी, तो आप पानी डाल सकते हो। सो ये रही मिक्सी में डल गया सब कुछ और अब ये जाएगा घूम। बच जाता है ना, इसको फेंका मत करो, इसको भी अच्छे से लिया करो, तभी कुछ मजा है जिंदगी का। ओके, सो अब हम टेस्ट टेस्ट करके बताएंगे कि हमारा जो स्मूदी बोल है कितना बड़ा है ना, ये स्मूदी बोल कैसा हो रहा है। तो ग्लास में भी डाल सकते हो, जितना ज्यादा पानी होगा उतना ग्लास में डालोगे, जितना थिक होगा उतना बोल में डालोगे, बट ज्यादा बिना बकवास किए मैं टेस्ट करके बताती हूँ। ओह माय गॉड, इसको खाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि चॉकलेट आइसक्रीम या कुछ ऐसा अजीब सा खा रहे हैं, मतलब जो अनहेल्दी है, बट ये बहुत बहुत हेल्दी। तो इसको एंजॉय करने के लिए मेरे को कैमरा साइड रखना पड़ेगा, मैं आपसे खा के मिलती हूँ। ओके, सो ब्रेकफास्ट हो गया है, थोड़ा बात कर लेते हैं खाने के ऊपर। सो आप सबको पता ही होगा कि मैं पहले सात्विक डाइट भी मैंने ट्राई की है, उससे पहले तो मैंने जिंदगी में क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए कभी सोचा ही नहीं। तो मेरी लाइफ बहुत चेंज होती गई है और अभी भी हो रही है। अब मैं सात्विक डाइट फॉलो नहीं करती हूँ जो सात्विक मूवमेंट रिकमेंड करता है, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत एक्सट्रीम हो गया था। कहीं बाहर नहीं खा सकते, कुछ बाहर मिलता नहीं है, समझ नहीं आता था, घर में भी उसको एक स्पेशल तरीके से बनाना है, बाकी लोग नहीं खाते हैं। अगर आप खुद खाना बनाते हो, ऐसे लोगों के अराउंड नहीं रह रहे हो जो सेम तरह खाना खा रहे हैं, तो वो बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं इसको 3 महीने भी लगातार ट्राई किया, बट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लगी थी। फिर मुझे लगा अपने इस बिहेवियर को देख के कि नहीं यार, अगर खाने को देख के जो इतनी कीमती चीज है, जो पता नहीं इतने लोगों को नहीं मिल रही है, तुम्हें मिल रही है, और उसको देख के तुम इतने नखरे कर रहे हो, सामने खाना है बट इमेजिन कुछ और कर रहे हो कि मुझे तो वो खाना था, मुझे लगा ये हेल्दी नहीं है। हेल्दी खाना ही सब कुछ नहीं होता, हेल्दी दिमाग भी चाहिए हमें। मैंने वो कम्प्लीटली त्याग दिया और अभी मैं अपनी लाइफ में एक बैलेंस डाइट फॉलो करती हूँ। बैलेंस बहुत जरूरी है, ये मैंने रियलाइज किया है। मैं बैलेंस कैसे करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, तो सुबह मेरा ही फंडा है कि मुझे कुछ भी फ्रूटी खाना है, वो मेरा एक क्लियर फंडा है। बाहर कभी गए कहीं ब्रंच पे तो अलग बात है, बट रोजमर्रा में या तो पपीता काट लो, तरबूज खा लो, स्मूदी बना लो, चिया सीड पुडिंग बना लो,
इस तरह की चीजें मैं सुबह बनाती हूँ। कभी कभार अगर मैंने दिन में बहुत हैवी खा लिया, मैं बाहर गई और मैंने कुछ पिज्जा खा लिया या कुछ ऐसा खा लिया, तो मैं चाहूंगी कि मैं डिनर ना खाऊं, या खाऊं तो कुछ फ्रूट खाऊं या कोई सैलेड खाऊं, कुछ ऐसा खाऊं जो बिल्कुल हल्का रहे। इस तरह की चीजें मैं ट्राई करती रहती हूँ, बैलेंस करती रहती हूँ, और ये एवरीडे वर्क है। एक टाइम बाद ऑब्वियसली आदत पड़ जाती है, बट एवरीडे आपको बैलेंस करना पड़ता है कि भैया आज मैंने बाहर खाया, आज बहुत ज्यादा ही हैवी हो गया, अब रात को थोड़ा कम करते हैं या अगले दिन पूरे दिन थोड़ा कम खाते हैं। सो ये चीज है ना, ये जो तरीका है मेरा, ये जो कुछ टिप्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसने मुझे बहुत हेल्प किया हेल्दी रहने में। और मुझे ऐसा लगता है कि हेल्दी रहना आपको अपने आप फील हो जाएगा कि आप जो खाना खा रहे हो दिन भर में आपको थकान नहीं रहती है, नींद ही आती रहती है सारा टाइम, आलस ही रहता है, तो मतलब आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो। खाना खाते ही अगर आपने एक्सपीरियंस किया, कभी थोड़ा सा भी अटेंशन दिया, तो आपको पता लग जाएगा कि ये खाना आपको क्या एक्टिवनेस दे रहा है या फिर आपको लेथार्जिक बना रहा है। और जो खाना लेथार्जिक बना रहा है, इसका मतलब वो डेड खाना है, और वो हमको उसे खा के कुछ फायदा नहीं है। तो आपको भी अगर ट्रांजिशन करना है तो धीरे धीरे ट्रांजिशन करो। जैसे सुबह अगर आप फ्रूट्स नहीं खा सकते तो इस तरह की चॉकलेट स्मूदी बना ली, कुछ चिया सीड पुडिंग टाइप खा लिया जो आपको टेस्टी भी लगे और उतना ज्यादा अनहेल्दी भी ना हो। फिर नूडल्स खाने हैं, कुछ राइस वाला डिश खाना है तो सब्जी ज्यादा डाल ली, राइस कम कर दिए, नूडल्स कम कर दिए, कभी कभार कोई सैलेड ट्राई कर लिया बाहर गए तो। सो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप अपनी लाइफ में ना धीरे धीरे ऐड करते रहो। एक टाइम बाद आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब आप वो अनहेल्दी खाना खाने वाले पर्सन से एकदम हेल्दी खाना खाने वाले पर्सन बन गए। सो ये थे कुछ टिप्स। अब मैं आपको मिलूंगी लंच पे, और देखते हैं कि मैं लंच में क्या बनाती हूँ। मुझे खुद अभी सोचना है, बट मैं लंच पे मिलती हूँ। सो वेलकम बैक। लंच का टाइम हो गया है, 1 बज रहे हैं, और मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी नूडल्स। ओके, सो पहली बात तो मैं घर पे अकेली हूँ, मैं अकेले नहीं रहती हूँ, मेरा पति लेकिन घर पे नहीं है। और जब सिर्फ अपने लिए खाना बनाना होता है तो बहुत फालतू लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और खाने को इतना सा बनाना है, बट हम बना लेते हैं यार, नहीं तो और क्या करेंगे, खाना तो है ही, पेट तो पालना ही है अपना। तो नूडल्स बना रहे हैं। मेरा नूडल्स बनाने का फंडा ये है कि एक तो नूडल्स अच्छे यूज़ करो, यानी कि होल व्हीट नूडल्स यूज़ करो या राइस नूडल्स यूज़ करो, मैदे वाले नहीं। और दूसरा फंडा ये है कि खूब सारी सब्जी डालो, खूब सारी, जितनी हो सके उतनी सब्जी डाल दो। मैं डालने वाली हूँ ब्रोकली, शिमला मिर्च, गाजर, बहुत सारी सब्जियाँ डालूंगी, इतनी सब्जी होगी और इतने से नूडल्स होंगे, देखना। सो मैं ये नूडल्स यूज कर रही हूँ, और इसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, और वो है व्हीट फ्लावर, वाटर और सॉल्ट। मैं डालूंगी बस इतने नूडल्स, थोड़े और डाल देती हूँ, नहीं ऐसे नहीं होगा मेरा। सो इतनी सारी सब्जियां हैं ये, ऑब्वियसली जो कम हो जाएंगे पकने के बाद, और ये इतने से नूडल्स हैं। कढ़ाई चढ़ चुकी है, अब इसमें डालने वाला है सेसमी ऑयल। ओके, सो नूडल्स रेडी हैं। वाओ, इतने सुंदर दिख रहे हैं, लुक एट दिस, कितनी सारी वेजीज हैं इसमें, लग रहा है ये नूडल्स खा रहे हैं हम। मैं एक मिनट क्लोजअप दिखाऊं, ये ले देखो, बहुत टेस्टी है। मैं जो सब्जियां होती है ना उनका मलीदा नहीं बनाती कि उनको बस पीस दूं अच्छे से, सब्जियां जिंदा रहनी चाहिए, खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, सॉफ्ट हो जाए, बट ये नहीं कि बिल्कुल मरी चुकी हैं। ओके, सो टेस्ट करते हैं कैसा बना है। भाई आज तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन गए। मुझे ना थोड़ी सी खटास ज़्यादा पसंद होती है, मतलब विनेगर वाली, वो डाली है मैंने, इतना सही हो रहा है ना। वाह 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 वा। तो इससे पहले हम शाम के डिनर की तरफ बढ़ें, मैं आज सोच रही थी कि मैं डिनर में क्या बनाऊंगी, तो मुझे सैलेड खाने का मन कर रहा था क्योंकि पेट थोड़ा भरा ही हुआ है और लाइट ही खाना था। तो एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बचपन में या आज से मतलब 4 साल पहले भी अगर कोई मुझे बोलता ना कि तू एक दिन सैलेड बना रही होगी और सैलेड खा रही होगी इस तरह, तो मैं कहती कि तू एक दिन हवा में उड़ रहा होगा, मतलब इतनी अनरियल लगती है मुझे ये बात कि मैं खुद ही विश्वास नहीं कर पाती। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज सैलेड खाती हूँ हर रात को, बट मुझे सैलेड भी बहुत पसंद आने लगा। मैंने ये चीज नोटिस की है और मैंने पढ़ा भी है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपना टेस्ट चेंज करो, आपको ये चीजें पसंद आए, तो आपको ये पहले ट्राई करनी पड़ेगी। आपको पता है
हमें जिन भी चीज़ों की क्रेविंग होती है ना खाने की, वो वही चीज़ें होती है जो हमने पहले बार बार खाई है। किसी नई चीज़ की क्रेविंग हमें नहीं हो सकती। अगर आप बहुत बार कोई सैलेड खा लो यम्मी टेस्टी वाला, ऐसा नहीं काट के दे दिया बस कुछ भी, वो वाला सैलेड नहीं, कुछ अच्छा सैलेड अच्छा बना के खाओ, तो एक दिन आप देखना कि जब आपने ज़्यादा ग्रेन खा लिया होगा या एक दिन कुछ ऐसा होगा, आपको कहेगा यार वो सैलेड होता ना कितना मज़ा आता। तो ये एक बहुत बड़ा सच है कि आप धीरे धीरे टाइम के साथ अपना जो टंग है उसका जो पैलेट है वो पूरा चेंज कर सकते हो, अपने टेस्ट बड पूरे चेंज हो सकते हैं आपको, और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद आने लगेंगी जो आपको पहले लगेगा कि यार ये तो मुझे कभी पसंद ही नहीं आती, तो अब कैसे आ रही हैं। जो आप अपनी बॉडी को फीड करोगे, जो आपकी बॉडी की मेमोरी में जाएगा और जो प्लेजेंट होगा उसमें, मतलब जो अच्छा लगा होगा आपको, वो ज़रूर एज अ क्रेविंग बन के बाद में आपकी लाइफ में आएगा। अगर आपको सैलड्स ऐड करने हैं अपनी लाइफ में, कोई हेल्दी चीज़ ऐड करनी है, तो आपको कुछ नंबर ऑफ टाइम्स तो उसको अपने आप को खिलाना पड़ेगा, और एक बार आपने खिला लिया और आप इंजॉय करने लगे उसको, तो मैं बता रही हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद बोलोगे कि यार नहीं मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना, मुझे सैलड खाना है। तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और कहानी में एक ट्विस्ट है। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही यार, मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ज़बरदस्ती क्यों करूँ, बस वीडियो के लिए मैं अपना पेट क्यों वो करूँ। तो मैं अभी जाने वाली हूँ स्विमिंग करने नीचे, और थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी, मुझे थोड़ा योगा करना है, तो उसके बाद अगर मुझे भूख लगेगी तो मैंने सोचा है कि मैं वाटरमेलन खाऊंगी, मैंगो पड़ा है वो खाऊंगी, तो मैं उस तरह के फ्रूट्स खाऊंगी क्योंकि फ्रिज में बहुत सारे पड़े हैं और मुझे कुछ वैसा ही फ्रेश फ्रेश खाने का मन है, अगर खाना भी तो जूसी जूसी सा। तो ऐसा हो जाता है, भूख नहीं होती कभी कभी, और नहीं खाना चाहिए जब भूख नहीं होती भैया, इससे बेकार कुछ नहीं है कि आपको भूख नहीं और आप खाना ठूस रहे हो पेट पे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और मैंने कुछ बातें की आपके साथ और आपको बताया कि कैसे आप अपनी जो हेल्दी डाइट है उस तरफ बढ़ सकते हो धीरे धीरे, और कैसे आप बिना रेस्ट्रिक्ट किए अपने आप को भी लाइफ में अच्छी डाइट खा सकते हो, हेल्दी डाइट खा सकते हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर ऐसी ही वीडियोस और चाहिए बातें करने वाली, जस्ट ऐसी दिनचर्या में से निकलने वाली, तो मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी दबाना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। यू कांट डू इट, इतना नहीं बुरा करते यार किसी के साथ। वीडियो पूरी देख ली भैया, ना लाइक ना सब्सक्राइब ना कुछ, कर्मा पाइल अप हो जाएगा बहुत सारा, कर दो।